हेलो 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 स्टूडेंट, चलिए आज हम शुरू करते हैं। आप लोगों को शुरू करते हैं वकैप। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है। ठीक, हम ब्लैक बुक में वकैब की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, ठीक, जो कि हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है। और ब्लैक बुक में हम करेंगे क्या, पहले वकैब लेके चलेंगे। ठीक, वकैब एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसमें से आज हमने उठाया है सिनोनिम्स। ठीक, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सिनोनिम्स का बहुत ज़्यादा रोल है, सिनोनिम्स का बहुत ज़्यादा रोल है हमारे हर एक एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रोल है, और उसमें से हमने 4 to 5 ईयर में जो भी बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, ठीक, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, पहला वर्ड एक्यूरेट। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो हम 100 वर्ड्स करने वाले हैं आज, और थोड़ा तेज़ी में करेंगे, क्योंकि 100 वर्ड्स से मतलब वीडियो लॉन्ग हो सकती है। आप लोग पेशेंस के साथ में देखिएगा। ठीक, और ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड वर्ड है, प्लीज़ इसे छोड़ नहीं सकते हैं। सो आई सजेस्ट टू यू कि इसे देखें ज़रूर, और ये 4 से 5 बार हर एक वर्ड्स रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला वर्ड है हमारा एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? एक्यूरेट का मतलब होता है कोई चीज़ रियल होना। इट मीन्स यहाँ पे हिंदी भी वर्ड दिया हुआ है, शुद्ध शुद्ध हमारा वर्ड दिया हुआ है। ठीक, और एक्यूरेट का सिनोनिम्स हो गया हमारा प्रिसाइज करना, करेक्ट करना, एग्जैक्ट करना। ठीक, अथेंटिक हो, अथेंटिक भी होता है AUTHENTIC। लिखते जाना प्लीज़। ठीक, मैं इसमें जरा से लिख नहीं पाऊँगा, बट लिखते जाना, मैं बोलता जाऊँगा। ठीक, एक्स्ट्रा वर्ड अगर आता है कोई तो मैं बोलता जाऊँगा अथेंटिक। तो पहला वर्ड हमारा कंप्यूटर था। नंबर 2 में चलते हैं बैफल। बैफल जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, बैफल मतलब होता है कन्फ्यूज़ होना। ठीक, बैफल होना, पजल होना, कन्फ्यूज होना, परप्लेक्स होना। ठीक, और 3rd नंबर पर चलते हैं कोर्स। अब कोर्स मतलब होता है कोई चीज़ ऑर्डर में ना होना, ठीक, डिस ऑर्डर होना, मिक्सअप होना, कन्फ्यूजन होना। ठीक है, इसमें ही बोल सकते हो तुम परप्लेक्स होना। ओके, ये भी सिनोनिम्स होता है। नेक्स्ट में जाते हैं डिफर। डिफर मतलब होता है टालना। टालना मतलब कोई चीज़ प्रोक्रेस्टिनेट करना, ठीक, उस दिन के लिए टाल देना, पोस्टपोन कर देना, डिले कर देना। ये हमारा 4th नंबर हो गया। 5th नंबर में इरोनियस। इरोनियस मैंने होता है ये हमारा इरर। ये देखो, इरोनियस वर्ड्स हमारा बना हुआ है इरर से। इरर मतलब गलती होती है ना, गलत होता है ना, बस उसी से हमारा वर्ड बना हुआ है इरोनमस। ठीक, इरोनियस गलत होता है, फॉल्स होता है, इनवैलिड होता है, रॉन्ग होता है, एक्यूरेट होता है, इनएक्यूरेट होता है। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं, थोड़ा सा हम रेज़र ले लेते हैं इसको मिटाने के लिए। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं 6वें नंबर में, जो कि हार्डल दिया हुआ है। हार्डल मतलब होता है बाधाएं, ऑब्स्टिकल, इम्पीडिमेंट। ठीक, 7 नंबर प्रोडिगल। प्रोडिगल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रोडिगल को प्लीज़ घोल के पी जाना। ठीक, प्रोडिगल मतलब होता है फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची। ठीक, प्रोडिगल मतलब होता है फिजूल खर्ची, मतलब वेस्टफुल, लेविस, एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक, अचीव। नंबर 8 में अचीव। अचीव मतलब कोई चीज़ प्राप्त कर लेना, पाना, एकम्प्लिश होना, सक्सीड होना, मतलब अपने, जैसे कि मान लो हर
तैयारी कर रहा है, ठीक, उसमें सक्सीड हो गया, उसमें सक्सेस हो गया, मतलब वो चीज़ पा लिया, अचीव कर लिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। नौ नंबर में जाते हैं, तो नौ नंबर है हमारा कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैटास्ट्रोफ मतलब होता है आपदा, ट्रेजेडी है ना, क्लाइमेटी ट्रेजेडी डिजास्टर, ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्लीज़ कैटास्ट्रोफ को भी याद रखना, ओके। नंबर 10 में चलते हैं, हम आते हैं कन्नेमन। कन्नेमन होता है निंदा करना, ठीक, निंदा करना मतलब क्रिटिसाइज करना, पनिश करना, डिनाउंस करना, ठीक। उसके बाद आते हैं इनॉर्मस। इनॉर्मस देखो सब इजी वर्ड हैं, ठीक, तो हम थोड़ा तेज़ी लेके चलेंगे क्योंकि कोई नया वर्ड से नहीं है जो आप लोगों ने शायद ना पढ़ा हो, सब रिपीटेड वर्ड हैं, मतलब पढ़ चुके होंगे, बस मैं एक रिवीजन के तौर पे इसे लेना और रिवाइज करते रहना, एक बार देखना 2x की स्पीड में सब रिवाइज हो जाएगा। तो कन्नेमन मतलब कन्नेमन होता है, कन्नेमन मतलब निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, पनिश करना, डिनाउंस करना। देखो इससे पहले भी कन्नेमन इनॉर्मस हो गया, इनॉर्मस देखो ऊपर क्या आया था, इरोनियस मतलब गलती, यहाँ पे यह क्या आया, इनॉर्मस। इनॉर्मस मतलब होता है विशाल, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है, मतलब तुम्हारे पास कोई चीज़ अधिक मात्रा में, इमेंस है, ह्यूज है, मेसिव है, ठीक है, मेसिव है, ह्यूज है, बहुत ज़्यादा में है। उसके बाद आते हैं इमिटेट करना। इमिटेट करना मतलब तो नकल करना, कॉपी करना, एपिक का मिमिक करना, मिमिक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मिमिक याद रखना प्लीज़ गाइस, ठीक, मिमिक मिमिक याद रखना। उसके बाद हम आते हैं मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब होता है कंपलसरी, नेसेसरी, इसेंशियल, ठीक। उसके बाद है रिलेबल। रिलेबल रिलेबल मतलब होता है कोई ट्रस्टफुल, भरोसेमंद, ठीक, ट्रस्टेड, ट्रस्टेड होता है मतलब डिपेंडेबल होता है, मतलब स्टेबल होता है, ठीक, स्टेबल होता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा लेवल तक हो चुका था, ठीक है, पेन ले लेते हैं थोड़ा सा, ओके, चलिए। ओके, हम आते हैं स्पोरेडिक। 16 नंबर पे स्पोरेडिक मैंने होता है हमारा कोशिश स्कैटर करना, मतलब छिटपुट कर देना, मतलब फैला देना, स्कैटर करना, ओकेजनल करना, इनफ्रीक्वेंट करना, ठीक, ये हमारा होता है स्पोरेडिक। 17 नंबर में आते हैं विवेसियस। विवेसियस आप लोग जानते होंगे, जिसे जेस्टफुल बोलते हैं, जोश, उत्साह, लैवली, एनर्जेटिक, स्पाकी, ठीक, ये सब। वंडर, वंडर मतलब होता है, एक वंडर होता है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि वंडर मतलब एम्बल करना, मतलब घूमना फिरना, फालतू का समय तुम्हारे पास, तुम घूम फिर रहे हो, इधर उधर टहल रहे हो, भटक रहे हो, ठीक, तो वहाँ पे काउंट होता है वंडर। वंडर रोम करना, रोम करना, ठीक, रोम करना, डिविएट करना, ठीक, एम्बल करना, एम्बल भी होता है। आते हैं 19 नंबर पे, जो कि 19 नंबर पे दिया है एप्रोगेट करना। एप्रोगेट मतलब कोई चीज़ रद्द कर दी गई है, नष्ट कर दी गई है, जैसे कि दिया हुआ है रिपील करना, एबॉलिश करना, ठीक, डिस्ट्रॉय करना, ओके। और 20 नंबर एक्वायर, एक्वायर नहीं, एक्रीव, एक्रीव मतलब इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना, कलेक्ट करना, गैथर करना, ठीक। एंग्यूस करना, एंग्यूस होता है दुख, पीड़ा, दर्द, एगोनी करना, एस करना, एस करना, ठीक। और सरो, दुख प्रकट करना, ठीक है। उसके बाद आते हैं 22 नंबर आर्टफुल। आर्टफुल होता है तुम्हारा चतुर, कनिंग, क्राफ्टी, ठीक, ये ध्रुत लिखा हुआ है, बहुत एकदम शुद्ध हिंदी है, ठीक, शायद आप लोग इसलिए समझ ना पाए, इसलिए मैंने अलग वर्ड्स का यूज़ किया। आर्टफुल मतलब चतुर बंदा होता है, ठीक, चालाक होता है, धोखा देने वाला होता है, कनिंग है, क्राफ्टी है, ठीक। उसके बाद आते हैं अगस्त।
अगस्त मतलब होता है कुछ गरिमा, ठीक, मजेस्टिक है, डिग्निफाइड है, इमिनेंट है, ठीक है, इमिनेंट है, मजेस्टिक है, डिग्निफाइड है, ठीक। आते हैं 24 में एस्चर करना, एस्चर मतलब होता है सख्त, कोई सख्त बंदा है, एस्चर है मतलब ऐसा बंदा है जो स्ट्रिक्ट है अपने आप पे, बदलने वाला नहीं है, ठीक। तो एस्चर मतलब स्ट्रिक्ट है, अनएडॉर्न है, ईस्टर्न है, ठीक, एडोसिटी है, लिखते जाना प्लीज़, ओके। 25 आते हैं बेनिस, बेनिस आप लोग ने सुना होगा, बेनिस बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला वर्ड है, बेनिस, ठीक। बेनिस मतलब होता है कोई चीज़ निष्कासित कर देना, मतलब तो दरख्वास्त कर देना, मतलब तो उसे खारिज कर देना, मतलब निकाल देना, बाहर फेंक देना, एक्सपेल करना, एक्साइल करना, ठीक। उसके बाद में आते हैं बेसफुल, जैसे कि आप लोग जानते हो कि बेसफुल मतलब कोई साई पर्सन, मतलब शर्मिला, ठीक। संकोची मतलब कोई चीज़ कहने में बहुत ज़्यादा संकोच करता हो, संकोची पर्सन, साई, इंट्रोवर्टेड, ठीक। फिर आते हैं 27 नंबर, काम है, शांत है, पीसफुल है, रिलैक्स्ड है, क्वाइट है, ठीक। उसके बाद आता है कैंटेंक्रस मैंने झकड़ाल होता है, क्वारलसम होता है, ठीक, क्वारलसम होता है। आते हैं कंपिनेंट मतलब होता है ऐसा बंदा जो कोई काम करने में एफिशिएंट हो, मतलब कैपेबल हो, ठीक, तो होता है कॉम्पिटेंट, मतलब कैपेबल पर्सन। कंडोन मतलब होता है ध्यान ना देना कोई चीज़ में, ठीक, ओवरलुक कर देना, इग्नोर कर देना, फारगिव कर देना, ठीक। उसके बाद कन्विक्ट अपराधी होता है, क्रिमिनल होता है, कल्प्रिट होता है, ठीक। 32 नंबर में आते हैं डर्थ मतलब होता है अकाल, कमी, स्कैर्सिटी, शॉर्टेज, ठीक है। हमारे 32 नंबर तक कंप्लीट होते हैं, इसके बाद हम चलते हैं, ओके, अब हम चलते हैं 33 नंबर पर, जो है डिफरेंस। अब देखो डिफरेंस में आप लोग कंफ्यूज मत होना, एक डिफरेंट होता है, ये डिफरेंस है, ओके, वो डिफरेंट होता है, DEFERENT मतलब वो डिफरेंट होता है, DEFERENT ये डिफरेंट होता है, ये डिफरेंट मतलब होता है अंतर, ठीक। ये है तुम्हारा डिफरेंस, डिफरेंस मतलब होता है सम्मान, रिस्पेक्ट, ऑब्सीशंस, कम्प्लियंस, ठीक, ये होता है तुम्हारा डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद आते हैं ड्रैग मतलब होता है कोई चीज़ पुल करना, मतलब खींचना, ठीक, ये होता है ड्रैग। फिर आते हैं स्कैस्टेसी से मतलब होता है कोई चीज़ जॉयफुल हो, परमानंद हो, जॉय हो, हैप्पीनेस हो, ब्लिस हो, ठीक। फिर आते हैं 37 नंबर पे इमेंसिपेट करना मतलब तो कोई चीज़ खुला छोड़ देना, मतलब स्वतंत्र करना, लिब्रेट करना, फ्री करना, ठीक। 38 नंबर इंथ्राल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले उनमें से एक है इंथ्राल, प्लीज़ घोल के पी जाना, किसको, इंथ्राल को, ठीक है। इंथ्राल मतलब होता है मंत्र मुग्ध कर देना, ठीक, मेमोराइज कर देना, इंचेंट कर देना, कैप्चिवेट करना, ठीक। ये 3 वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक्सेम्प्ट करना मतलब तो छूट है, मुक्त है, कितना मुक्त है, इम्यून करना, ठीक, एक्सक्लूड करना, ठीक है, कोई चीज़ शामिल कर लेना, वो होता है तुम्हारा एक्सेम्प्ट, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब चलो आते हैं फाइन, FEIGN फाइन। फाइन मतलब होता है बहाना बनाना, ठीक है, मतलब बहाना बनाने का मतलब ये है कि कोई चीज़ है नहीं वो दिखाई जाती है, बहाना बनाना मतलब प्रीटेंड करना, ठीक है।
फिर आते हैं फॉरबिड करना। फॉरबिड मतलब होता है कोई चीज़ को मना कर देना, प्रिवेंट कर देना, बैन करना, प्रिक्लूड करना, प्रोहिबिट कर देना, ठीक है। और फिर आते हैं फ्री। फ्री मतलब होता है कोई चीज़ सैड है, एंगर है, दुखी है, ठीक, सैड है। फिर आते हैं गार्निश। गार्निश ये तो आप लोग जानते ही होंगे, गार्निश अच्छा वर्ड है। गार्निश मतलब होता है डेकोरेट करना, सजाना, जैसे कि कोई इवेंट होता है, कोई फेस्टिवल होता है, हम लोग घर को सजाते हैं, ठीक, घर को सजाते हैं या फिर जहाँ भी रहते हैं उस चीज़ को हम लोग डेकोरेट करते हैं, एडॉर्न करते हैं, ठीक, एम्बेलिश करते हैं, ठीक है। तो होता है हमारा गार्निश करना, एम्बेलिश करना, एडॉर्न करना, डेकोरेट करना, ठीक। फिर आते हैं हम ग्रम्बल। ग्रम्बल मतलब होता है कोई चीज़ कोई बड़बड़ा रहा है खुद पे, ठीक, बड़बड़ाना मतलब कंप्लेन करना, मरमर करना, ग्रोन करना, ठीक है। उसके बाद आते हैं हैम्पर। हैम्पर देखो, हैम्पर बाधा डालना होता है, हिंडर होता है, रिस्ट्रिक्ट होता है, ब्लॉक करना होता है, ठीक। उसके बाद में आते हैं हिराल्ड। हिराल्ड मतलब ऐसी चीज़ जो संदेश वाहक हो, मतलब जैसे कि हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक, कोई नोटिस आती है वो हम लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए नोटिस दी जाती है, मतलब संदेश दी जाती है, ठीक है। तो हिराल्ड वही चीज़ है, मैसेंजर मतलब मैसेज देने वाला, मतलब अनाउंस, ठीक। हुडविंक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, प्लीज़ हुडविंक, ठीक। हुडविंक मतलब होता है प्रीटेंड करना, मतलब धोखा देना, डिसीव करना, चीट करना, डिफ्रॉड करना, इधर कर सकते हो प्रीटेंड करना, धोखा देना, ठीक। अब आते हैं इम्बेसाइल। इम्बेसाइल तुम्हारा होता है फूल, मतलब मूर्ख, बेवकूफ, ठीक, इडियट पर्सन, फूलिश पर्सन, डेंस पर्सन, ठीक। अब आते हैं इनिमिकल। इनिमिकल मतलब होता है विरोधी पर्सन, मतलब तुम्हारे सपोज तुम्हारे सपोर्ट में नहीं है, वो तुमसे अपोज है। जैसे कि इलेक्शन होते हैं, दो पार्टी होती हैं, ठीक, एक दूसरे के दोनों अपोज करती हैं, वो फेवर में नहीं होती है, ठीक। इनिमिकल ये है वर्ड, इनिमिकल मतलब विरोधी, हार्मफुल है, हॉस्टाइल है, ठीक है। फिर आते हैं हम इंट्रीशेट। इंट्रीशेट मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद हम आते हैं लूर। लूर मतलब होता है कोई चीज़ किसी को किसी काम के लिए फुसलाना, मतलब मना लेना, उसे अपनी ओर अपनी तरह बना लेना, जैसे कि तुम चाह रहे हो इसे ये काम करवाना है, ठीक, तो वो काम उससे करवा लेना, वो होता है तुम्हारा इंटीसेट करना, सॉरी इंटीसेट नहीं, लूर करना, लूर करना, एल्यूर करना, अट्रैक्ट करना, ठीक, एल्यूर भी होता है। उसके बाद में आते हैं लग्जूरेंट। लग्जूरेंट मतलब ऐसी चीज़ जो तुम्हारे पास इनफ है, पर्याप्त है, ठीक, अबंडेंट है, लस है, फ्लोरिशिंग है, ठीक, ये सब है लग्जूरेंट के सिनोनिम्स। आते हैं मैसिव। मैसिव मतलब आप लोग आगे पढ़ चुके हैं, मैसिव मतलब तो ह्यूज है, इनॉर्मस है, ठीक, बहुत ज़्यादा है। मिमिक, मिमिक होता है तुम्हारा, इससे पढ़ चुके हो आगे, पीछे पढ़ चुके हो आप लोग, मिमिक मतलब कॉपी करना, इमिटेटर करना, ठीक। उसके बाद आते हैं ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी मतलब कोई चीज़ कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, नेसेसरी है, ठीक। फिर आते हैं पेंचेंट। आई होप आपको दिख रहा होगा ये पेंचेंट, ठीक, ये वर्ड है पेंचेंट। पेंचेंट मतलब होता है किसी चीज़ को लाइक करना, उसमें इंटरेस्ट दिखाना, रुचि दिखाना, ठीक। तो पेंचेंट मतलब होता है लाइक, फॉन्डनेस, ठीक। चलिए पेंचेंट हो गया। पेंचेंट के बाद हम बढ़ते हैं प्लीजेंट। प्लीजेंट आप लोग जानते होंगे, प्लीजेंट मतलब होता है सुख, मतलब प्लीजेंट मतलब होता है कोई चीज़ बहुत अच्छा होना, मतलब शानदार होना, मतलब खुशी देना, सुखदायक, अम्यूजिंग, रिफ्रेशिंग, जैसे कि आप लोग कोई काम करते हैं, ठीक। उसके बाद
थक जाते हैं, फिर रिफ्रेश होने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, है ना। दैट्स इट, बस वही है। प्लीजेंट मतलब अम्यूजिंग करना, रिफ्रेशिंग करना, डिलाइटफुल करना, ठीक। अब आते हैं प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट होता है हमारा कोई ऐसा पर्सन जो इमोशनल होता है, सैड होता है, टचिंग होता है, ठीक। आते हैं प्रियोरिटी। प्रियोरिटी मतलब जैसे कि इसमें हम सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, नौकरी के लिए, ठीक। हम लोग SSC की तैयारी कर रहे हैं, ओके। SSC की तैयारी कर रहे हैं, एक साल हो गया, दो साल हो गया, बट जब नौकरी लग जाएगी उसके बाद CGL का पेपर देंगे, प्री मेंस, उसके बाद फॉर्म आएगा, हम लोग प्रियोरिटी भरेंगे, हमें क्या चाहिए, वही होता है प्रियोरिटी। मतलब प्राथमिकता देना, मतलब प्रीसीडेंस करना, प्रीफ्रेंस करना, ठीक है। आते हैं हम लोग प्रोटेस्ट करना। प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध करना, अपोज करना, ऑब्जेक्ट करना, रिसिस्ट करना। फिर आते हैं रिलीज। रिलीज अच्छा वर्ड है, रिलीज पूछा गया वर्ड है, रिलीज। देखो सामने नंबर भी दिया है, ओके, 3 times पूछा गया है। रिलीज करना मतलब इंजॉय करना, एडोर करना, ठीक है। फिर आते हैं रिप्रोच। रिप्रोच मतलब होता है डांटना, फटकाना, स्कोल्ड करना, ठीक। रिप्रोच करना मतलब तो डांटना, फटकाना, बीरिएट करना, एडमोनिस करना, स्कोल्ड करना, चेस्टाइज करना। देखो मैंने 3 words बोले, ठीक। इसके अलावा रिप्रोच है, बीरिएट है, एडमोनिस है, स्कोल्ड है, ठीक, चेस्टाइज है, चेस्टाइज है, ठीक। 2 words ऐड कर लेना प्लीज़, चेस्टाइज बहुत पूछा जाता वर्ड है, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम रिटेलिएट करना। मतलब रिटेलिएट ऐसा पर्सन होता है जो रिवेंज लेता है, मतलब बदला लेता है, ठीक। रिवेंज, एवेंज, रिएक्ट करना, ओके, ये होता है हमारा रिटेलिएट का सिनोनिम्स, ठीक। आते हैं रिवाइल करना। रिवाइल मतलब तो कोई चीज़ गाली देना, मतलब एब्यूज करना, ठीक है। स्कॉर्न, स्कॉर्न इससे पहले पढ़ चुके हैं आप लोग, स्कॉर्न, ठीक है। स्कॉर्न करना मतलब किसी चीज़ से निंदा करना, घृणा करना, डिस्पाइस करना, मौकरी करना, ठीक। फिर आते हैं स्लैक। स्लैक मतलब कोई ढीला है, फीबल, कमजोर है, केयरलेस है, इनएक्टिव है, ठीक है, इनएक्टिव है। आते हैं हम लोग सुलेमन। सुलेमन मतलब बहुत ही गंभीर व्यक्ति है, पेंसिव है, सीरियस है, डिग्निफाइड है, ठीक। ये है डिग्निफाइड है, सीरियस दिखा देते हैं एक बार, पेंसिव नहीं। आप लोग कहेंगे कि देखो सर आप उसी में रंग कर देते हैं, दिखता नहीं है, बन चल जाता है, ठीक। सो आई रिमूव, ओके। चलिए आते हैं हम लोग सस्टेन करना। मतलब सस्टेन आप लोग जानते होंगे, बनाए रखना कोई चीज़ को, जैसी है वैसी बनाए रखना, सस्टेन करना, ठीक। सस्टेन करना मतलब बनाए रखना, कंटिन्यू करना, सपोर्ट करना, ठीक। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव पर्सन ऐसा होता है जो, विंडिक्टिव भी एक तरीके से अपोजिट वर्ड है, ठीक है। सॉरी मुझे खांसी आ रही है, सॉरी गाइस। विंडिक्टिव होता है प्रतिशोधी, मतलब स्पाइटफुल है, रिवेंजफुल है, जो रिवेंज लेता है, एवेंज करता है, ठीक। एब्निगेशन, एब्निगेशन मतलब होता है तुम्हारा, एब्निगेशन मतलब होता है कोई चीज़ उसे स्वीकार ना करना, एक्सेप्ट ना करना, मतलब डिनाइल करना, मना कर देना, अनाउंसमेंट कर देना, ठीक। एब्यूज आप लोग पढ़ चुके हैं, देखो एब्यूज, गाली, स्कॉर्न, हार, मतलब वही डांटना फटकाना, ठीक। अक्यूंट मतलब होता है कोई चीज़ परिचय देना, ठीक। देखो 72 number में अक्यूंट, परिचय देना, इंट्रोड्यूस करना, फैमिलियर करना, ठीक। अडॉप्ट 73 number में देखो, अडॉप्ट मतलब होता है तुम्हारा किसी चीज़ में अडॉप्ट करना अपने आप को, मतलब तो जैसे कि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है सपोज, ओके, मुझे इंग्लिश अच्छी करनी है, मतलब मुझे अडॉप्ट करना पड़ेगा, मतलब मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। इफ़ वी क्रैक द CGL देन वी हैव टू, मुझे करना होगा, ओके, अदरवाइज वी हैव नो एनी अदर चांस
मैं ना करूँ, ओके, व्हाट नॉट टू डू। सो करना ही होगा, ओके, इसलिए अडॉप्ट मतलब अनुकूल बनाना, एडजस्ट कर लेना किसी चीज़ को, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। ओके गाइस, 73 वर्ड्स हुए हैं, ठीक है, आई होप मैं इतना ही रखता हूँ, बट वीडियो लंबी हो जाएगी, अभी इसके बाद काफ़ी वर्ड हैं, देख लीजिए, ठीक, 100 वर्ड हैं, आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे, ओके, इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर PDF चाहिए आप लोगों को तो हम PDF भी डलवा देंगे, हाँ, PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे घोल के पी जाइएगा प्लीज़, ठीक है, बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए वर्ड। और आई होप आगे आने वाला MTS का एग्ज़ाम है और MTS में हेल्पफुल करेगा, ओके, सो दैट्स इट गाइड, ओके, थैंक यू, और ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसे सब्सक्राइब करें प्लीज़, ओके गाइस, थैंक यू, जय हिंद।